जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव खेल के दलित समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में लघु सचिवालय पर इकट्ठा। पुलिस की लापरवाही और सही कार्रवाई न करने को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित कर्णपाल व उनकी मां लाजवंती का कहना है कि उसका दलित परिवार 28 जून को अपनी जमीन पर मकान के निर्माण का कार्य कर रहा था। आरोपी राजेश नंबरदार सहित 6 अन्य लोगों ने इकट्ठा होकर और उसकी पत्नी सीमा, बुजुर्ग माता पिता व बच्चों पर डंडे सरिये से हमला कर दिया और वहीं अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें जाति सूचक शब्द कहे। इसे लेकर हमने पुलिस की डायल 112 को सूचित किया, जिस पर पुलिस ने आकर मेडिकल करवाने की बात कहकर चले गए। सदर थाना जगाधरी में भी शिकायत दी गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। दलित समाज के विरोध पर 10 दिन बाद हल्की धाराओं में केस दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट उन्होंने आज जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए मांग की है कि दर्ज केस में पुलिस सख्त धाराएं जोड़े और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही न्याय नहीं मिला तो दलित समाज आंदोलन करने पर मजबूर होगा, इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग शामिल हुए। क्या नाम है आपका? लाजवंती। क्या बात हुई, क्या झगड़ा? पकड़ लेते हैं, मकान बना लेते, उन्हें कुछ नहीं बोल रहा माता का, कानूनी कार्रवाई, काम रोक भी रोक दो ना रोको, ऐसा डंडे सट्टे लेकर। कौन लोग थे? लंबड़दार राजेश, फिर 5-7 दिन पहले कल गया मार के गया, कदे कल लेना, फिर सारे ने इकट्ठे करके ले आए जी, डंडा सुट्टा दिखाया। तो कितने लोगों को चोट लगी है? मारा तो हम भी धक्के देखा गे जी, अरे एक बहू आई मारी, 4 लोगों को चोट लगी मारा जी, मारी बहू आई जी, बच्चे की माँ रात देख देख कर मारी, अपने बच्चे को छुड़वाने लगी ना उसको, मतलब भी काफी चोटें मारी उन्होंने, लात का मारी, जितने मारी मारी जितने मारी, जांघों पे लात लगी हुई, चोट लगी हुई काफी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।